बात कहा जाए, देवता भी महाराज देखने के लिए चले हैं। भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत से चले और चल करके महाराज में आए हैं। तो भूतनाथ भोले बाबा ने क्या देखा कि जितने श्याम हैं और उतने ही गोपियां हैं, जितनी गोपियां हैं उतने ही श्याम हैं। क्षमा करना, इतना समय नहीं है, इसलिए शॉर्ट में निकालना पड़ रहा है। कन्हैया ने देखा कि कैलाश पर्वत से आए और फिर घूंघट मार रहे हैं, धोती नीचे को सरकाए रहे, पीछे पीठ खुल जाती है और पीठ को ढकते हैं तो दाढ़ी दिखाई देते हैं। तो भोले बाबा से कन्हैया ज्यादा नहीं, एक शब्द बोले, क्या गोपी? घूंघट की पट खोल री तो श्याम मिले, बोले बाबा से बोले हैं भगवान कन्हैया, घूंघट क्यों मारे हो, उठाए ले हो? हाँ, जान लिए हैं कि तुम तीन लोग के नाथ हो, है? घूंघट के पट खोल री तो श्याम मिलेंगे, तो श्याम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तो श्याम इतनी बात कही, एकदम से भूतनाथ भोले बाबा ने अपनी धोती सर से उतारी और गुड़ी मुड़ी लड़ुआ से करे जालंगो सिलाई और गुड़ी मुड़ी लड़ुआ से करे जालंगो सिलाई और नृत्य करने लगे हैं गोपियों के साथ में, नृत्य करने लगे। कन्हैया बंसी बजा रहे थे और कन्हैया बंसी बजा रहे हैं तो भोले बाबा क्या बोले? आज भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई, कन्हैया बंसी बजा रहे हैं तो सभी नृत्य करने लगे। भोले होता है, उद्धव जी लौट कर की वापस आए और जब उद्धव जी लौट कर की वापस आए हैं, इधर कालवन को साथ में लेकर की और राजा जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की तो रात ही रात में विश्वकर्मा को भगवान कन्हैया ने बुलाया
और कहा कि जाओ और जाकर के बीचा बीच समुद्र की टापू पर एक सुंदर सी द्वारका नगरी का निर्माण करवाओ। तो ऐसा ही किया है विश्वकर्मा ने, द्वारका नगरी का निर्माण किया है। भगवान कन्हैया राती रात में सभी यादवों को लेकर की और द्वारका में पहुंच गए हैं। राती रात में यादव पहुंचा दिए, अब केवल मथुरा पर भगवान कन्हैया और दाऊ भैया रह गए। जैसे ही कालियावन को साथ लेकर की महाराज जरासंध आए, तो वहां पर युद्ध भगवान ने नहीं किया, बल्कि युद्ध को छोड़कर के कन्हैया भाग पड़े। तो वहीं पर एक और नाम पड़ा है, रणछोड़ भगवान। बोलिए सच्चे दरबार की, सीधे द्वारका में पहुंच गई है यादव। भगवान कन्हैया रण छोड़ करके भागे तो धोलागर की गुफा थी, उस गुफा में गहरी नींद में राजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे हैं गहरी नींद में। तो भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और जैसे ही पीतांबर डाला तो कालबन ने सोचा कि ये मेरे डर की वजह से ये पीतांबर तान के सो गया है, बुरा भला कहा पीतांबर को झटका। तो जैसे ही मुचकुंद महाराज गहरी नींद से उठे तो कालबन को जला करके भस्म कर दिया और जरासंध को मार मार करके परास्त कर दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की, अब भगवान कन्हैया द्वारका में रहने लगे हैं। Thank you.
कोई मां सरस्वती को सुमिरत ही मैया कंठुरी बैठी बनाई और अक्र जी को पत्र दिया। अक्रूर जी लेकर के पत्र को और वृंदावन में आए और जब वृंदावन में आए मैया यशोदा बाबा नंद ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो पपक पपक की रोने लगे। जादना से हमारे बेटा कन्हैया ने जन्म लो और तादना से जब भोजराज कंस को चैन नहीं पड़ो। मारने के लिए रोज एक नए राक्षस को भेजता है। हमें लगता है कन्हैया हमें जीने नहीं देगा। अब तो मैया यशोदा बाबा नंद रोने लगे। कन्हैया गाय चरा करके आए हैं, पूछने लगे मैया क्यों रोबे मेरी बात तू बतलाइए ऐसी हाल तू के नने तो गारी दे दइए कछु ऐसे बचन सुनइए तू जाने दई होए गाली मैया बकी आंख कान ने कले आवे बात समन को मां छोड़े नहीं भयम लोगन तक पहुंचावे। जवाब दिया है अरे किसने तुझे गाली दी है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे सीधे यमपुर के लिए पहुंचा देंगे। बता दे बता मैया। मैया यशोदा ने कुछ नहीं कहा। बाबा नंद ने धीरज में आकर के कहा है बेटा भोजराज कंस ने निमंत्रण भेजा है धनुष यज्ञ करवाई है तुम्हें और तुम्हारे भैया दाऊ को धनुष यज्ञ में बुलाया है। तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ सभी यादवों को मथुरा की कारागार जेल में डाल दिया जाएगा। कन्हैया ने कहा जाएंगे जरूर जाएंगे। ओ मामा ने निमंत्रण भेजा है तो जरूर जाएंगे। बाबा तुम धीरज रखो हम लौट करके जल्दी अवश्य आएंगे। सुबह होते ही होते भास्कर देवता ने जैसे ही नेत्र खोले हैं आज कन्हैया ग्वाल बालों को साथ में लेकर के और चले हैं मथुरा के लिए। प्रेम दीवानी राधा को पता चला गोपियों को पता चला आज भैया गोपियों को पता चला कि कन्हैया हम सबको छोड़कर की मथुरा के लिए जा रहा है तो राधा जी दौड़ करके आई कहने लगी कन्हैया हमें छोड़कर के मत जाओ। अगर तुम हमें छोड़कर के चले गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। भला दुनिया वाले तो हमसे कहते हैं कि कन्हैया बड़ा ही धोखेबाज है तुमने कन्हैया से प्रेम किया तुम बड़ी पछताओगी इसलिए कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ। राधा जी बोली लगी श्याम